एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसा आप लोग, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं लोरियल पेरिस कैस्टिंग क्रीम कोर ग्लोस कंडीशनर कलर। तो हेयर में आज मैं कलर करने वाली हूँ, ये कलर है ब्लैक, नेचुरल ब्लैक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा, अभी मैं डब्बा दिखा दूंगी अच्छे से। आप लोग को पता है मैं रिसेंटली करवाई थी, जहाँ से नैनोप्लास्टिया कराई थी वहीं से कलर कराई थी, 3000 लिया था। बट यार उसका कलर झड़ रहा है, पता है फिर से मेरे में ब्राउन ब्राउन आ गया। तो ब्राउन ब्राउन से ना ये थोड़ा सा खराब दिख रहा है, क्योंकि मेरे दो मुंह बाल है। तो इसलिए मैं सोची कि घर में ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, ब्राउन लगाई थी बहुत साल पहले। तो आज मैं ब्लैक लगाने वाली हूँ अपने हेयर में। तो चलो आप लोग शेयर करते हैं आफ्टर बिफोर और कैसे यूज करना है, प्राइस। और इसका प्राइस लिया था, प्राइस क्या लिखा था, तो इसका प्राइस लिया था 220 रुपीज। तो चलो अब इसको कैसे यूज करना है सारा चीज बताते हैं। देख सकते हो इसका डब्बा कुछ ऐसा है और सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। और ये ब्लैक कलर है, डार्क ब्राउन एंड देन ये ब्लैक। और कैसे कैसे लगाना है, पहले मिक्स करना है, फिर अप्लाई करना है, देन मसाज करना है, और उसके बाद हम इसको 20 या 25 मिनट तक रखना है इसको। तो चलो अब हम इसके पैकेजिंग देखते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने ही इसको ओपन कर रही हूँ। मैंने इसे ओपन नहीं करा था, पूरा ही टूट गया। सो ये एक डब्बा मिलता है और उसके साथ मिलता है ये क्रीम जैसा रहता है। ये दोनों को मिक्स कर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे 10 मिनट तक, और फिर अपने हेयर में अप्लाई कर। और इसके ऊपर सारा चीज लिखा हुआ कि कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैं एक बार पढ़ लूंगी और आप लोग भी पढ़कर करना। और इसमें दिया है ग्लव्स भी, आप लोग ये ग्लव्स हैंड में पहनकर लगाना पड़ना, अपना हाथ में कलर कलर हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दो ग्लव्स दिया है तो अच्छा है। और ये सब लगाने के बाद थर्ड है। तो कोई फर्स्ट टाइम ये यूज कर रहा है तो उसके लिए काफी आसान है, यहाँ पे डेमो सब कुछ लिखा हुआ है और बनाया भी गया है। अगर किसी को पढ़ने में तकलीफ है तो ऐसे समझ जाएगा। तो जो बोतल दिया है उसको दोनों मिक्स करना है एंड उसके बाद अपने हेयर में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर हम 20 मिनट उसको छोड़ देंगे, फिर उसको हम वॉश कर लेंगे शैम्पू या कुछ से भी। और इसके बाद हमें मिला है पिंक कलर का पाउच, उसको लगाने से शाइन आ जाता है, इसे कहते हैं शाइन मार्क्स विथ रॉयल जेली। तो इसको लगाने के बाद शैम्पू वैम्पू कर लोगे या फिर ऐसे ही धो लोगे, तो इसको अप्लाई कर 2 मिनट मसाज करना है। तो अब चलो कैसे लगाना है ये आप लोग को बता देती हूँ मैं कैसे लगा रही हूँ। ज़्यादा फेट हो गया ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये पूरा था ब्राउन में और अभी कुछ इस तरह से हो गया है। तो सो गाइस मेरा हेयर तो आप लोगों ने देखा ही है, और ये ना मैंने एक गमछा ले लिया है ताकि मेरा ड्रेस में ये ना लगे। सो ये देख सकते हो नीचे में मेरे को ब्राउन हो गया है, तो बस तो नीचे में ज़्यादा ज़रूरत है और कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं अकेले लगा रही हूँ खुद से। तो आप लोग भी ऐसे अकेले लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से कर दो ग्लव्स। सो अब मैं लगा रही हूँ अपने हेयर में, देखो मैं सारा हेयर तो मांग कर ली हूँ और अपने हेयर में लगा रही हूँ। ग्लव पहन कर लगाने से सेफ्टी होता है आप लोगों को पता है, और इसकी मैं एक बहुत ही गंदी है यार, मतलब बर्दाश्त के बाहर है, पर मैं कंट्रोल कर रही हूँ कैसे पता नहीं। तो चलो अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं, आप लोग को मिलते हैं। आप लोग को जैसे मैंने वैसे लगा सकते हो, मेरे को ये इजी लगा तो मैं ऐसे लगा रही हूँ। थोड़ा बाल निकलने लगा है तो पूरा बाल में पूरा जाना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ कि सारे बाल मेरे ब्लैक हो जाए।
फाइनली हमने लगा लिया, आप लोग देख सकते हो मैंने इसको क्लेचर से ये कर दिया ताकि अब हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, आप लोग ज्यादा मत छोड़ना, 20 या 25 मिनट तक ठीक है, और आप लोग 5 या 10 मिनट में इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब हो जाता है। तो अगर आप लोग घर बैठे करना है हेयर कलर तो आप लोग घर में ही कर लो, बाहर में बहुत प्राइस रहता है और प्रोडक्ट भी अच्छे रहते हैं, ये एक मंथ तक के इलाज तक चलता है, सो इसलिए। तो चलो हम इसे इसका रिजल्ट दिखाते हैं आप लोग को 20 मिनट के बाद, 20 मिनट हम इसे छोड़ देंगे ऐसे। हमारे हेयर में कलर लगाए 20 मिनट हो चुका है, तो अब मैं अपने हेयर को वॉश करूंगी। तो देखो इसको कैसे यूज करना मैं बता देती हूँ। जैसे ये आप लोग वॉश कर लिए तो आप लोग ये कंडीशनर, तो जैसे आप लोग शैम्पू वॉश कर लिए तो आप लोग शाइनी मैक्स लगा सकते हो, या फिर आप शैम्पू करके भी ये कंडीशनर की तरह यूज कर सकते हो, इसको मसाज करोगे 2 मिनट तक। तो चलो मैं अपना हेयर कप लुक पूरा दिखाती हूँ और इसको खोल ही लेती हूँ। ये देख लो पूरा सूख गया है, कुड़कड़ी हो गया। चलो आप लोग से मिलते हैं कुछ देर के बाद नहाकर। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं नहाकर, आप लोग मेरा हेयर देख सकते हो, शैम्पू कर लिया, शैम्पू नहीं किया, मैं जो कंडीशनर लगाती हूँ कंडीशनर यूज किया और जो मिला था मुझे वो किया। तो चलो अब हम इसे हेयर ड्रायर की सहायता से सुखा लेते हैं, फिर आप लोग को पूरा रिजल्ट दिखाते हैं और बातें करते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने अपने हेयर में कलर लगाने के बाद, ये देख लो पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, उस टाइम थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा था, पीछे से आप लोग को दिखाती हूँ, दिख रहे है? आई होप कि आप लोग को दिख ही रहा होगा हमारा ब्लैक हेयर। पहले मुझे ब्राउन काफी पसंद था तो इसमें मैं ब्राउन ही कराती थी बरगंडी, तो अब मेरे को ब्लैक ही पसंद है, बिकॉज यहाँ जो रफ रफ रहते हैं ना इसे ब्लैक में नहीं दिखता, पूरा नेचुरल दिखता है, इसलिए मैं ब्लैक करवाई तो अच्छा से हो गया, पार्लर से ज़्यादा अच्छा ही हो गया। आप लोग चाहो तो घर में कर सकते हो, और इसको मैंने 20 मिनट ही रखा था, उसके बाद भी वॉश कर दिया और जो जो कि आप लोग को सब कुछ शेयर किया कैसे कैसे यूज़ करना है। तो गाइस आई होप कि आप लोग को हमारा ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।